सभी को सच्चा है। जैसे कि आप सब जानते हो, संत रामपाल जी महाराज को आज पूरे विश्व में, ट्विटर पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, कोई भी आईडी पे देख लो, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हर पोस्ट के साथ में आपको मिल जाएंगे। वैसे आज संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं, उनकी क्या विशेषता है, आखिर वो सबसे अलग कैसे है, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, जो हमेशा सारी बुराइयों से दूर रहते हैं, बुराया सबको पता होती है कि बुराया होती क्या है, जैसे दहेज देना, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार, ठगी, किसी के साथ में धोखाधड़ी, कन्या भ्रूण हत्या, रेप जैसे मामले सबसे ज़्यादा हो रहे हैं कलयुग के अंदर। बहुत सारी बुराइयाँ जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। जो भी भाई मिलेगा उसको सबसे पहले ज्ञान ही समझाएंगे कि ये देखो संत रामपाल जी महाराज का भगत है जो ऐसा नहीं करता, मतलब कंपैरिजन करके बताएंगे कि ये इसके अच्छाइयाँ है। आखिर वो अच्छाई आई कैसे, सद्भक्ति से। तो सद्भक्ति कैसे करते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के जो भी रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उसमें मर्यादा में रह के जो भक्ति करता है वही एक भगत होता है। सबसे पहले उसको बुराइयाँ मिटनी चाहिए। जैसे आज सबसे ज़्यादा चल रहा है शराब, मीट, दारू, ये सबसे ज़्यादा चल रहा है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, हर एक लड़का, बहुत सारी लड़कियाँ भी, मतलब सारे सभी तरह के जो भी एज में होते हैं सब करते हैं, हर एक फैमिली में मेंबर मिल जाएगा। तो ये आज के जो समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नशा। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, लोग बोलते हैं नशा छूटता नहीं है, आखिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो करोड़ों हैं, जो लाखों से करोड़ों तक पहुंच रहे हैं, वो कैसे पहुंच रहे हैं, सद्भक्ति से। क्योंकि सद्भक्ति से सब संभव है। अगर इंसान चाहे सद्भक्ति से, तो कैंसर जैसी बीमारी मिट रही है, तो कोई भी बीमारी ना इलाज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही वो बीमारी तुरंत नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके मंत्र जाप में इतनी शक्ति होती है। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, जो वेदों, शास्त्र, कुरान, बाइबल, जितने भी अपन के साथ ग्रंथ हैं, उनके अनुसार भक्ति करते हैं, और भक्ति करने से ही इंसान का पूर्ण मोक्ष होता है। तो वो भक्ति कैसे है, तो वो भक्ति अपन के शास्त्रों के अनुकूल बताते हैं, तभी अपन को लाभ होता है। मंदिरों में जाने से, इनके भोपों के पास में जाने से, अन्य धर्म गुरु से पास जाने से भक्ति नहीं होती। भक्ति वैसे होती है अपन पूर्ण सन से नाम दीक्षा लेके, उससे जो नियम में रह के, मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं, उनके द्वारा बताए गए नियम में रह के भक्ति करते हैं, तब वो भक्ति सफल होती है। तो भक्ति मतलब लोग भक्ति के नाम से ही डरते हैं। अरे भक्ति उम्र नहीं है, उम्र तो इंसान की जब बच्चा 1-3 साल का होता है, जब बोलने लग जाता है, तभी उसकी भक्ति की उम्र स्टार्ट हो जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज के जो मतलब संत रामपाल जी महाराज के नियम में ये भी है कि 3 साल के बच्चे को नाम दीक्षा दिलवा देनी चाहिए, ताकि वो बड़ा हो, फिर नाम दीक्षा लेगा तब वो बोलेगा ये कैसे है। मतलब संत रामपाल जी महाराज किसी से जो भी है, जो नाच गाना इन सबसे दूर रहता है। तो आज की युवा पीढ़ी में सबसे ज़्यादा यही है, डीजे, पार्टी में जाना, नाच गाना करना, दहेज देना, ये सब कुछ होता है जो लोगों को पसंद भी आता है। और आजकल के सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी की यही समस्या है कि बाय आडम्बर, जहाँ शादी आज लॉकडाउन जैसे माहौल में नॉर्मल हो रही है, ना दहेज लिए रहे, ना दे रहे, ना कोई डीजे है, ना कोई स्टेज है, लेकिन फिर भी लोग आडम्बर करते हैं। मतलब एक इंसान है जो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन नहीं था तब कैसे लोग जी रहे थे, तब भी जी रहे थे और अब भी जीत रहे हैं ना। और वही आज हो रहा है, वही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहले भी बता रहे थे। जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जितने भी है, जो दहेज दहेज शादी कर रहे हैं, और आज लॉकडाउन में वही हो रहा है, जो पहले नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते थे, लेकिन लोग आडम्बर करते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन आज क्या, लॉकडाउन जैसी स्थिति, जहाँ पे एक कोरोना जैसी बीमारी, जो एक वायरस ने पूरी दुनिया को एक ही घर में, खुद के ही घर में बंद करके रख दिया। मतलब एक इंसान भक्ति करके पार हो सकता है। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करने की उम्र होती है, नहीं, पढ़ाई करने की उम्र है अभी मेरी, लेकिन पढ़ाई के साथ में भक्ति भी जरूर होती है। क्यों, भक्ति के बिना मोक्ष नहीं होता। इंसान पढ़ाई करके नौकरी हासिल कर सकता है, लेकिन वो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और मोक्ष प्राप्त करना ही मेन उद्देश्य होता है इंसान का। और इंसान जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करता, जब तक 84 लाख योनियों में चक्कर काटता है,
जैसे इंसान मरते ही कुत्ता गधा जो भी जानवर होते हैं उन सब की यूनियन उनको मिलते हैं, लेकिन इंसान बोलते हैं मरने के बाद में किसने देखा, मतलब मरने के बाद में अपन ही देखेंगे, कोई दूसरे नहीं देखेंगे। वैसे आज शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि अपन शिक्षा में मतलब शिक्षा को पहले पढ़ाई करें, 10वीं 12वीं जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ाई करें, फिर उसके बाद में अपन सदग्रंथ को देखें खोल खोल के, आखिर अपन के सदग्रंथ अपन को क्या बता रहे हैं और अपन क्या कर रहे हैं। और शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि भक्ति करके पार होना, और भक्ति तब कर सकते जब अपन शिक्षित हो सकते हो, शिक्षित होंगे तो अपन गुरु जी के ज्ञान को जल्दी समझे। कुछ दुख के मारे आते हैं, कुछ बीमारी को लेके आते हैं, तो कोई कैसे ही आते हैं। अगर अपन सच में भक्ति करना चाहते हैं तो संत नामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई भक्ति करें। जैसे कि आज पूरे समाज में लोग बोलते हैं, जैसे आज पूरे समाज में तो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में वो लोग परेशान हैं जो नशे करते हैं, क्योंकि उनसे नशा छूटा नहीं जाता, और वहीं जो गुरु जी की भगत होते हैं वो नशे से दूर है, तो उनको पता ही नहीं कि नशा मतलब दुकानें खुली है ना खुली उनको कोई मतलब नहीं है। वैसे आज समाज में नशा एक ऐसी बीमारी है जिससे आज आम जो लेडीज़ है वो परेशान है अपने हस्बैंड से कोई किसी से, तो आज नशे पूरी तरह से बंद होगा तभी आज पूरे विश्व में एक अच्छी आएगा, मतलब एक समाज कल्याण जैसा आएगा। लेकिन वो समाज कल्याण वो सरकार नहीं ला सकती, अगर सरकार लाना चाहती तो आज फैक्ट्री ही नहीं खुलती ना कोई दुकानें खुलती, पहले ही बंद हो जाता। वहीं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना कोई वो नशा करते ना किसी को करने देते ना किसी को लाके देते हैं, क्योंकि उनकी ये अच्छाई उनके गुरु के द्वारा मिली हुई है। और संत रामपाल जी महाराज जो पूरे विश्व के अंदर पूरी मतलब समाज कल्याण करवाना चाहते हैं जो भी, तो इनसे नाम दीक्षा लिए। और जैसे कि आप जानते हो कि अन्य धर्म गुरु पूरे मतलब विश्व के अंदर बहुत सारे धर्म गुरु हैं, तो आप सोचते हो कि गुरु तो दूसरे भी हैं, तो संत रामपाल जी महाराज में क्या विशेषता है। संत रामपाल जी महाराज ये विशेषता है कि वो बुराई से अपने शिष्य को दूर रखते हैं ना, मतलब सारी बुराइयाँ, ये नहीं है कि मतलब आप बुराई भी करते जाओ भक्ति भी करते जाओ, मतलब दूसरे धर्म गुरु यही करते हैं, मतलब शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज है सबसे पहले ये कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, मतलब टीचर के बिना स्कूल कुछ काम का नहीं होता है, वैसे ही सदग्रंथ में टीचर है, टीचर कौन, संत रामपाल जी महाराज। तो अपन संत रामपाल जी महाराज जो टीचर है, जो बुक्स है अपन की, जो सदग्रंथ है, अपन उनको रीड कैसे करें, तो अपन रीड करने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। वैसे ही संत रामपाल जी महाराज एक अपन के टीचर की तरह है, तो अपन उनकी सत्संग देखे और उनके सत्संग से देखे कि आखिर क्या है ऐसा संत रामपाल जी महाराज में जो इतनी बुराई से दूर है। तो आप सब भी से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई भक्ति रूपी से अगर मोक्ष करवाना चाहते हो तो आप उनकी सत्संग सुने, उनकी PDF के द्वारा बुक्स पढ़े। अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति में आपके पास में फुल टाइम है, तो इसका टाइम का सदुपयोग करें। लोग फिर भी बोलते हैं लॉकडाउन में भी टाइम नहीं, अगर अगर टाइम अभी नहीं मिला ना तो कभी नहीं मिलने वाला है। चीन के हालात देख लो और अन्य देशों के भी हालात देख लो। आज संत रामपाल जी महाराज किसी से जो जो भी आज हॉस्पिटल में भी एडमिट है उनके लिए भी रक्तदान देने, आज नॉर्मल जिंदगी जो 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 भी मतलब भगत जी रहा है वो आज आम समाज भी जी रहा है, तो आज ऐसा लग रहा है कि भगत और जगत का कुछ फर्क भी नहीं होने वाला है, और आने वाले टाइम ऐसे ही आने वाला है नॉर्मल जिंदगी जीना। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं अपन ये जिंदगी नहीं जी सकते। आज बाहर के हालात देखो कितने मतलब बदते से भी बदतर है, और आज देखो भारत के अंदर जो हालात है वो तो शायद अन्य देशों के भी नहीं होंगे, क्योंकि भारत के अंदर एक ऐसी शक्ति बैठी है जो संत रामपाल जी महाराज जो मतलब एक पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, जो अपन की मतलब सारे जो भी है भगत जगत नहीं बोलती पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं, तो उनके मतलब भक्ति रूपी से ही अपन का मोक्ष हो सकता है, और अपन पूरे मतलब विश्व के अंदर जो भी है तो सारी सीमाएं रेखाएं मिट सकती है। आज समाज के अंदर जो भी है, जैसे युवाओं में मतलब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भक्ति से युवाओं में जागृति आते हैं, मतलब संत रामपाल जी महाराज की जो भी भगत है जैसे युवाओं में जागृति लाना वो संत रामपाल जी महाराज के खुद के नियम ही कर सकते हैं, क्यों आज युवा समाज है जो मतलब जो DJ गाने जो एंजॉय करना उसमें है, वही संत रामपाल जी महाराज की जो भगत है वो ये सब कुछ ना देखते हैं ना करते हैं, मतलब संत रामपाल जी महाराज के नियमों में रह के भक्ति करते हैं, और नियमों में रहना और मर्यादा में रहना ही सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है भक्ति रूपी का। आज पूरे विश्व में इतने सारे जो भी चल रहे हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, कहीं पे फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर कितने लोग दुखी भी होंगे सुखी भी होंगे, क्यों,
इंसान को ये नहीं पता होता कि अपन का मनुष्य जीवन हुआ क्यों है, कि 84 लाख हाँ क्यों नहीं, भुगतने के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, वो भी अपन को भक्ति रूपी मतलब भक्ति करने की उद्देश्य से मिलता है, और अपन उसका क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं कि आज मतलब कल किसने देखा। नहीं, गुरु जी बोलते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारम्बार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो ना लगता डार। मतलब एक पेड़ है, उससे जो पत्ता टूट गया तो वापस नहीं लगने वाला है, वैसे अपन का मनुष्य जीवन एक बार हाथ से निकल गया तो 84 लाख यूं ही अपन को भुगत के वापस मनुष्य जीवन मिलेगा। तो अभी भी टाइम है, तो मतलब मानव समाज से यही विनती है कि आप समझो, ज्ञान को समझो। जो संत रामपाल जी महाराज को गलत समझते हैं, वो सदग्रंथ देखो कि संत रामपाल जी महाराज आखिर क्या बताते हैं और अपन करते क्या है। मंदिरों में जाना, तीर्थों में जाना, तो इनसे अगर अपन का मोक्ष होता तो तीर्थों पर जाने वाले लोग क्यों मरते। अगर अपन का मोक्ष या फिर अपन जो सुखी है सारे मंदिरों में जाने से है, तो आज मंदिर भी तो बंद है, फिर भी अपन घर के अंदर सही बैठे हैं ना। और आज मंदिर में जाते हैं, भगवान को पूजते हैं, फिर भी लोग कोरोना जैसी बीमारी से डर रहे हैं, क्यों, भगवान के भी विश्वास नहीं है क्या। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को विश्वास है कि उनके भगत को पूरा विश्वास है कि गुरु जी हमें बचा लेंगे, क्यों, क्योंकि हम सद्भक्ति करते हैं। तो सद्भक्ति करने वाले इंसान का काल पाल भी बाका नहीं कर सकता, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो सद्भक्ति करता है, शास्त्रों के अनुसार करता है, जिससे उनका यहाँ पे भी पूरा जो भी मतलब होगा। जैसे कि आज लोग ऐसे भी आते हैं जिनको कैंसर जैसी बीमारी होती है, आज कोरोना जैसी बीमारी भी लोगों की ठीक हुई है, जो भगत है उनको तो हो भी नहीं सकती है, जो आएंगे तो उनकी भी गुरु जी बोलते हैं ठीक होगी, क्यों, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। और गुरु जी यही चाहते हैं कि पूरा विश्व एक हो, पूरे विश्व के अंदर बुराइयाँ मिटे, वो बुराइयाँ मिटने के बाद में ही इंसान एक स्वच्छ भारत जैसा, एक सोने की चिड़िया संत रामपाल जी महाराज बना सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज तब बना सकते हैं जब एक पूरे भगत जो भी है, जो सेवा कर रहे, तब उनको पढ़ो, जो भी पोस्ट है उनको पढ़ो, सत्संग सुनो, सत्संग देखो। आज जितने भी लाइव वीडियो भी आते हैं तो किसके लिए आते हैं, आपके लिए आते हैं, हमारे लिए नहीं आते, हमें तो पता है कि हमारे मतलब क्या है गुरु जी का ज्ञान, तब उनको सारे वीडियो को सुनो। जैसे कि आज पूरे समाज के अंदर ये फैल रहा है सबसे ज़्यादा कि मतलब कोरोना है, तो ये मतलब आज यहाँ पे पुलिस हमारा साथ दे रही है, तो डॉक्टर भी हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन जो अपन का जीवन है वो एक पूर्ण परमात्मा ही बचा सकता है। तो मतलब साइंस भी फेल है, घुटने टेक दिए चीन जैसे देश ने भी, विकसित देश ने भी, तो आप सोच लो, तो भारत इतना विकसित भी नहीं है। तो फिर सतभक्ति ही है जिससे अपन अपन का यहाँ पे कल्याण हो सकता है। तो सबसे पहले आप साइंस को जो इम्पोर्टेंट